नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूं भारतीय इतिहास के अंतर्गत आयुर्वेद और राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, राजनीति पर सबसे पहली पुस्तक है सोमदेव सूरी के द्वारा लिखी गई दोस्तों नीति वाक्य अमृत। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हेमचंद्र के द्वारा लघु अर्थ नीति क्वेश्चन पूछा गया, ये इतना पूछा नहीं गया, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चंद्रशेखर के द्वारा नीति रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। काम मंदक के द्वारा दोस्तों काम मंदक नीति सार ग्रंथ लिखा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भोज के द्वारा युक्ति कल्पतरु पूछा जा चुका है कि इसका विषय क्या है, तो इसका विषय दोस्तों राजनीति है। युक्ति कल्पतरु भोज के द्वारा लिखी गई है जिसका विषय है राजनीति, तो दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काम मंदक का नीति सार भोज के द्वारा, युक्ति कल्पतरु और सोमदेव सूर्य के द्वारा नीति वाक्य अमृत जो ग्रंथ है ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है दोस्तों आयुर्वेद के द्वारा, ये इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बोध दार्शनिक नागार्जुन के द्वारा थे जिनके द्वारा लिखा गया था रस रत्नाकर, इन्होंने दोस्तों पशु चिकित्सा के लिए भी कार्य किया था नागार्जुन, जो कि गुप्त काल के थे। चरक है भी दोस्त, चरक और सुसु दोस्तों शुंग काल के हैं, ठीक है। चरक के द्वारा लिखा गया था चरक संहिता, ये दोस्तों शल्य चिकित्सा, ये आपके चिकित्सा के अंतर्गत है। और सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखी गई थी, ये शल्य चिकित्सा के ऊपर लिखा गया ग्रंथ था सुश्रुत के द्वारा। वाग्भट के द्वारा अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता लिखा गया, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता वाग्भट। चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता और नागार्जुन के द्वारा रस रत्नाकर ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। नागार्जुन के द्वारा रस रत्नाकर ग्रंथ, चरक के द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता और वाग्भट के द्वारा अष्टांग हृदय और अष्टांग हृदय संहिता। माधवकर के द्वारा दोस्तों ऋग्वी निश्चय, युग्वी निश्चय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वृद्धा के द्वारा दोस्तों सिद्धि योग, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेआरएफ नेट में। कि चक्र प्राणी दत्त के द्वारा चिकित्सा सार संग्रह लिखा गया 11वीं शताब्दी में, और ये किस विषय पर लिखा गया था, तो दोस्तों चक्र प्राणी दत्त के द्वारा आयुर्वेद पे लिखा हुआ है ग्रंथ है चिकित्सा सार संग्रह 11वीं शताब्दी का, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी है सारंगधर के द्वारा, सारंगधर संहिता लिखी गई है, ये भी आयुर्वेद के ऊपर है। और भोज परमार के द्वारा आयुर्वेद सर्वस्व ग्रंथ लिखा गया है, तो सारंगधर के द्वारा सारंगधर संहिता और भोज परमार के द्वारा आयुर्वेद सर्वस्व ग्रंथ की रचना की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और छोटे छोटे वीडियो में इस हिसाब से लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपका सेपरेशन बना रहे और आपको एक बार में जो आपको चीज़ चाहिए केवल वही आप पढ़े और नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, जिससे कि आपका समय बचे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आरएस प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।